أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله <laughs> <laughs> हमने आयत नंबर तेईस शुरू करनी है और <laughs> इनको बिन आ, कल हमने आयत नंबर इक्कीस और बाईस पढ़ी थी तो की। तो कुरान करीम का कर सबसे पहला हुक्म क्या हुआ हाँ लोग आज लोग ही नहीं आए हम السلام عليكم مالك السلام رحمة الله आह लोगों आबादत को रोला कि जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहलों को पैदा किया ताकि तुम प्रहिज्गारी करो या मुतकी बनो और जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फरश बनाया और आसमान को छत चट... बस, बस बस मैंने नहीं पूछा था मैंने पूछा था पहला हुक्म कुरान का क्या है अपने अल्फाज में बयान कर देती हैं कि तोहीद जी <coughs> तो कुरान मैं पूछा था आप लोग लो बहुत थोड़े हैं सर वो अभी क्लास खत्म हुई है हमारी हमारी तो क्लास में काफी लंबी थी, थी तीस पैंतीस लोग थे लेकिन अब मैं देखता हूँ पंद्रह से बीस लोग होते हैं तो देखिए असल में दिलचस्पी कम हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता लोगों की कुरान से अहम क्या चीज है जिसको पढ़ना चाहिए और जिसके लिए वक्त निकालना चाहिए लेकिन असल में अः की बड़ी जरूरत है अपने आप को बार बार तैयार करने की बड़ी जरूरत है आमतौर तो पर जब लोग शुरू करते हैं क्लास वगैरह शुरू में आते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं पता नहीं कोई वजह हमारी तरफ से है कैसे लोगों को कायल किया जा सकता है कि टाइम निकालें क्लास के लिए अब ये तो पुराने करीम की क्लास है इससे अहम क्लास क्या हो सकती है और माशाल्लाह जिन्होंने क्लास में दाखला लिया है इसी अच्छी नीयत से दाखला लिया है अल्लाह उनकी नीयत तो कबूल करें लेकिन तो बाकायदगी की बड़ी जरूरत है अच्छा काम वो होता है जो बाकायदगी के साथ हो चाहे थोड़ा हो नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है आपने फरमाया खैर अदा वाहन सही मुबारक है आपने फरमाया कि सबसे बेहतर मामला सबसे बेहतर काम जो अल्लाह को पसंद है वो वो है जो हमेशा हो चाहे वो थोड़ा हो तो हम जो इरादा करें तो हम फिर कोशिश करें कि उसके लिए वक्त निकाल ये नहीं होता कि मसरूफियत नहीं होती मसरूफियत होती है लेकिन हमें वक्त निकालना है हमें इसको अहमियत देनी है और हम दूसरे कामों को अहमियत देते हैं तो हम उनके लिए वक्त निकालते हैं और उसके लिए अपनी मसरूफियात को आगे पीछे करते हैं तो हमें इसके लिए भी अपनी मसरूफियात को आगे पीछे करना होगा एक अज़म के साथ और बाकायदगी के साथ जो है वो हम ये पढ़ेंगे तो फायदा होगा आ, मैं अक्सर सोचता हूँ कुरान पढ़ते पढ़ाते कि इससे बड़ी सादत क्या होगी दुनिया में इससे बड़ी कोई सादत हो सकती है कि कोई शख्स अल्लाह रब्बुल रबालमीन का कलाम जो सच्चा और सुच्चा कलाम है जिसका एक एक लफ्ज़, एक-एक हर्फ सच्चा है अल्लाह की तरफ से है और जिसकी एक एक बात वो इंसाफ वाली है उसमें जुल्म नहीं है ज्यादी नहीं है मतम्मत कलीमत रब्ला फरमाते हैं कि अल्लाह के कलीमत पूरे हो गए आ, सच्चाई के अतबार से और के अतबार से यानी कुरान की एक एक आयत कुरान का एक एक लफ्स कुरान का एक एक, एक हुक्म उससे सच्चा हुक्म क्या होगा और उससे आदिलाना इंसाफ वाला हुक्म क्या होगा कुरान में जरा बराबर भी जुल्म नहीं है जरा बराबर भी झूठ नहीं है और इसमें कोई नहीं है इसमें कोई तहरीफ नहीं हुई कोई कर नहीं सकता पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए जब अल्लाह ने इसकी हिफाजत है तो ली है आगे पीछे से बातिल आ नहीं सकता तंजीमीदीमीदिकमत वाला है जो तारीफ किया गया है उसकी तरफ से नाजिल की गई है तो इसमें बातिल कैसे आ सकता है इसमें ऊंच नीच कैसे हो सकती है नहीं हो सकती इससे बड़ी सादत क्या होगी कि हम ये अल्लाह ताला का सच्चा सुच्चा कलाम पढ़ते हैं आज आपको कोई चीज़ चीज़ आप दावा करें कि वो चीज़ सच्ची है या वो चीज खालिस है आपको छोटी से छोटी चीज खालिस नहीं मिलेगी आप दूध ले लीजिए कोई और आप खाने पीने की चीज ले लें बहुत मुश्किल है आपको एक खालिस चीज मिले लेकिन आप देखिए कुरान जब हम पढ़ते हैं तो कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का सच्चा कलाम है अल्लाह का आदिलाना का कलाम है और इस कलाम में कोई तब्दीली नहीं है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है और इससे बड़ी सादत क्या होगी कि अल्लाह आपने किया हुआ कोई सवाल है आपका मेरे सामना असलकुम नहीं सर क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन जो आपने एक बात बताई उससे मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी शायद जो हमारे क्लास फेलोज हैं उनको भी फायदा हो जाए इस चीज़ से आ, जब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है ना तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बाकी जो क्लासेस होती हैं उनको मैं पेंडिंग कर लेती हूँ कि चलिए अगर नहीं भी सुना गया तो वीकेंड पे सुन लूंगी लेकिन कुरान क्लास जो है ना मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मैं इसका वेट भी करती हूँ और इसके लिए अपने तमाम काम निपटा लेती हूँ और बड़ी खुशी से मोहब्बत से तवज्जो से इसको सुनती हूँ मुझे ये लगता है कि जब हम मैंने ये फिर एक्सपीरियंस किया कि जब हम कुरान को अहमियत देते हैं ना और इसकी फिक्र करते हैं इसके लिए हम इंतजार करते हैं शौक रखते हैं तो हमारे काम तमाम सिमट जाते हैं अल्लाह खुद हमारे काम समेट देते हैं हमें जरूरत नहीं पड़ती फिर पहले हम खुद टाइम निकालते हैं कुरान के लिए फिर ऐसा वक्त आता है कि अल्लाह ताला हमारा टाइम मैनेज कर देते हैं और खुद ब खुद टाइम निकल आता है क्योंकि हम प्रायोरिटी देते हैं कुरान को क्योंकि कुरान तो ऐसी चीज है ना ऐसी किताब है जो तमाम नीमतों से भरकर है तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब हम कुरान को अहमियत देते हैं इससे अपना शौक बनाते हैं ना इससे मोहब्बत करते हैं तब जो है वो हमारी सारी जिंदगी जो है ना वो सेट हो जाती है आपने बड़ी अच्छी बात कही बिल्कुल ऐसी बात ही है जब हम कुरान के लिए अल्लाह के दीन के लिए इबादत के लिए और कुरान से बड़ी कुरान पढ़ने से बड़ी इबादत क्या होगी अगर हम इसके लिए ये वक्त निकालें तो हमारे काम अल्लाह समेट देंगे और ये बात मुबारक सही मुबारक में मौजूद है अः हदीस खुदी है नबी ने फरमाया आदम नबी वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फरमाते हैं आदम के बेटे तफर इबादत ही मेरी के लिए वक्त निकाल अम सदरत गिनन मैं तेरे सीने को गीना से भर दूंगा वदखरक तेरी मोहताजगी भी दूर कर दूंगा और इल्ला अगर ने ना किया मला तुक शुकन मैं तेरे हाथ को मशगूल कर दूंगा मशगूलियत से भर दूंगा वलम असदफ्रक और तेरी मोहताजगी भी दूर नहीं करूँगा यानी कि जब एक बंदा अल्लाह के दीन के लिए वक्त निकालता है तो उसके काम अल्लाह तला से मेट लेते हैं अल्लाह उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और क़ुरान से मोहब्बत दर हकीकत अल्लाह से मोहब्बत है माइक ऑन और अल्लाह से मोहब्बत जो बंदा जी जी माइक जो मैंने कई दफा तो कहा है माइक अपने ऑफ रखा करें तो एक मिनट मैं करता हूँ हाँ जी तो जो अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला तो उससे मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करता है एक सहाबी क्या वाक्य है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है कि वो सूरह इखलास पढ़ते हैं नमाज में और आ, हर रकत के आखिर में सूरह इखलास पढ़ते हैं कोई भी सूरत मिलाए सूरह फातिहा के साथ लेकिन अख्तितम वो सूरह इखलास पे करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम ये क्यों करते हो वो कहने लगे मुझे सूरह इखलास अच्छी बहुत लगती है मुझे बड़ी मोहब्बत है इससे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करते हैं तो बहरहाल कुरान और कुरान से मोहब्बत और कुरान के लिए वक्त निकालना से बड़ी दौलत कोई नहीं, है, से बड़ी कोई नहीं है और इसके लिए वक्त निकालना चाहिए और ये वक्त कोशिश करनी चाहिए हमने इरादा बनाया तो हम इसके लिए मुस्तकिल वक्त निकाले बहरहाल हम अपने मौजूद की तरफ लौटते हैं दोबारा तो हमने कल पढ़ा कि अल्लाह का सबसे पहला क्या है मुख्तार बताइए एक जुमले में अल्लाह का सबसे पहला हुक्म क्या हुआ कुरान में तोहीद, तोहीद। अल्लाह ने तोहीद को कैसे साबित किया है मुख्तर बताना है बस दो जुमलों में जैसे कल मैंने बताया था अल्लाह ने तोहीद को कैसे साबित किया है कि सारा इबादत तो उसी की होगी जो पैदा करने वाला होगा हाँ हा, बिल्कुल खुलासा ये है कि इबादत उसकी होनी चाहिए सिर्फ उसकी जिसने पैदा किया या दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें कि अल्लाह ताला ने तोहीद रुबूबियत से तोहैद उलूहियत को साबित किया है ठीक है तो हृदरबूबीत क्या है अल्लाह खालिक है अल्लाह मालिक है अल्लाह मुदब्बिर है अल्लाह इनाम करने वाले हैं अल्लाह रब है अल्लाह के कामों में अल्लाह अकेले हैं और इस बात को मशरक भी मानते हैं इस बात को यहूदी भी मानते हैं ईसाई भी मानते हैं दावा करते हैं कम अज़ कम मशरक मक्का भी मानते थे इस बात को तो अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम इस बात को मानते हो ये तो हृदरबूबीत है तुम रबूबियत में अल्लाह को एक मानते हो तो फिर उलूियत में जो तुम्हारे काम है अल्लाह से मुतल कि तुमने अल्लाह को जवाब देना है शुक्रिया अदा करना है इबादत करनी है अल्लाह से दुआएं करनी है जबा करना है नजरों न्याज देनी है अल्लाह से डरना है अल्लाह पे बतवकुल करना है तो इन तमाम कामों में तुम अल्लाह के साथ जोड़ दो इन कामों को और जिसके इनाम है जिस अकेले अल्लाह के जिस अकेले अल्लाह की तख्लीक है उसी अकेला के उसी अकेले अल्लाह के की इबादत करो ये है असल में खुलासा तोहद की दलील का ये दो आयतों के अंदर अल्लाह तला ने इसी चीज़ को बयान किया है और इसकी इब्तदा भी अल्लाह ने तोहीद रबूबियत से की तो, तोहदियत से की तोहियत का हुक्म दिया या या ये की इबादत का हुक्म है उस अल्लाह की जिस अल्लाह की रबूबियत की यह सिफात है जिसको मुशरक भी मानते हैं कि उसने तुम्हें भी पैदा किया तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया उसने जमीन को पैदा किया तुम्हारे लिए फर्श बनाया आसमान को पैदा किया तुम्हारे लिए छत बनाया उसने बुलंदी से पानी उतारा और उस पानी से तुम्हारे लिए फलों फर्लो, फलों से रिस्क निकाला तो शुरू में भी अल्लाह ने इलाने रबक को अपने रब की इबादत करो ये तोहिद उलूहत है और फलात जाली अल्लाह के अलावा और शरीक ना बनाओ तोहीदहियत का हुक्म है उलूत में औरों को शरीक बनाने का रद्द है जानते बूझते तुम अल्लाह के साथ और उनको शरीक ना बनाओ तो ये तोहिद की बहुत जबरदस्त दलील है एक चीज कल रह गई थी मैंने इसीलिए एक दफा इसको दोहरा दिया है खुलासा वो चीज़ ये रह गई थी कि से उलूहियत अल्लाह ने साबित की अब अगर तोहहीद रबूबियत और उलूहियत दोनों पर अगर हम कमा हकू जिस तरह अल्लाह का हुक्म है उस तरह अमल करें तो इसे हासिल क्या होगा इसका नतीजा क्या होगा तोहद से तोहीद का नतीजा क्या है अल्लाह ने इन दो आयतों में बयान किया है वो क्या है तोहीद का मकसद क्या है उससे हासिल क्या होगा वो कल रह गया था फिर आखिरत में कामयाबी नहीं नहीं दो आयतों में जिक्र हुआ है उसका सर इबादत का

वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ये तो तोहद रबूबियत है यानी अल्लाह तला तो रबूबियत को साबित कर रहे हैं और अपने बंदों तमाम बंदों से तक कर रहे हैं कि अगर तुम उलूहियत में में अल्लाह को एक एक मान लो में एक मानने के साथ साथ जो तुम नहीं मानते अगर तुम ये मान लोगे तो इसका नतीजा क्या होगा कि तुम परहेजगार बन जाओगे तुम्हारे अंदर अल्लाह का हकीकी डर पैदा होगा वरना असल में क्या होता है जब बंदा अल्लाह के साथ औरों को इबादत में शरीक करता है तो वो उसमें अल्लाह के साथ डर अल्लाह के साथ ताल्लुक अल्लाह का डर अल्लाह की उम्मीद और अल्लाह से मोहब्बत के साथ साथ औरों से वो ताल्लुक हो जाता है जो अल्लाह से होना चाहिए कई दफा अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ़ करे अल्लाह इसे बचाए कि वो ताल्लुक मोहब्बत का वो ताल्लुक डरने का जो सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए उसमें अल्लाह के अलावा कोई शरीक नहीं हो सकता उसमें गैर अल्लाह को शरीक कर दिया जाता है बाज दफा अपने महबूदों से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि अल्लाह की तरह या अल्लाह से भड़कर मोहब्बत हो जाती है हालांकि याद रखिए मोहब्बत में भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता जो मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए उसमें किसी को शरीक नहीं किया जा सकता हम मोमिन हैं अल्लाह से आ, आ, इस्लाम लाने वाले हैं और हमें अल्लाह के नबी से और नेक लोगों से बड़ी मोहब्बत है और हमारा और आ, हम अपने आप से अपने बीबी बच्चों से अपने माँ बाप से हर एक से ज्यादा नबी सर से मोहब्बत करते हैं लेकिन हमारी सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है वो अल्लाह से अल्लाह के बाद अल्लाह के मखलूक से मोहब्बत होती है हम डरते किससे हैं अल्लाह से तो जब इंसान सही तरीके से तोहद पर अमल पैदा होता है तो फिर इंसान के अंदर अल्लाह का सही डर पैदा होता है तखवा लाल तकून तो ये तोहद का मकसद है और ये सिर्फ तोहहीद का मकसद नहीं है ये हमारे दीन के जितने अहकाम हैं तक़रीबन तो उन तमाम अहकाम का मकसद असल में अल्लाह का डर हमारे अंदर पैदा होना है जब इंसान सही तरीके से दीन पर अमल करता है तो इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है और अल्लाह का डर क्या चीज है ये असल में हकीकी ईमान है हमने तीन गिरोह पढ़े शुरा के शुरू में कौन से तीन गिरोह पड़े सर ईमान वाले ईमान वाले और सर اهل कुफर पढ़े थे काफिर पढ़े थे काफिर के बारे में पढ़ा था और फिर منافق के बारे में ठीक है ईमान वालों को अल्लाह ने क्या नाम दिया था उलाई का लाउद में रब हम के यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हिदायत पे फलाह पाने वाले शुरू में शुरू में अलेफ لام میم ذالک الکتاب जी वो ये किताब पढ़ते हैं और उनके हदायत हदायतीन क्या नाम दिया अल्लाह ताला ने इन्हें मुत्तकीन का मुत्तकीन और मैंने तब जिक्र किया था आपको याद होगा कि असल में अल्लाह ने ईमान वालों को यहाँ मुत्तकी कहा है असल में वो ईमान वाला होता ही नहीं जो डरता नहीं ये कैसा ईमान है कभी तस्वुर तो कीजिए कि हम यानी अल्लाह पर ईमान लाने का दावा भी कर रहे हैं और अल्लाह से डरते ना हों अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहे हैं और ईमान का दावा भी कर रहे हो नमाज ना पढ़े हैं और अल्लाह और मुसलमान होने का दावा कर रहे हो अल्लाह <coughs> की नाफरमानी करें रसूल की नाफरमानी करें सल वसलम की और अगर हमें कोई कहे के तो हम कहें कि इससे क्या होता है आप हर छोटी छोटी बात पे हमें दरस्ते में बैठ जाते हैं आप हमें बादज नसीहत करने बैठ जाते हैं तो असल में ईमान क्या है ईमान से अल्लाह का डर पैदा होता है जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो फिर इंसान सही ईमान वाला बन जाता है और तकवा की जो फजाइल हैं वो कुरानी करीम में इतने ज्यादा हैं इतने ज्यादा हैं कि लगता है जैसे दीन नाम ही तकवा का है तो ये तकवा पैदा कैसे होगा ये तकवा पैदा तो से होगा और सिर्फ अल्लाह के साथ ताल्लुक जुड़ जाएगा और सिर्फ अल्लाह का डर पैदा होगा और जब अल्लाह का डर पैदा होगा तो दुनिया जहाँ का डर खत्म हो जाएगा जिसके अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा तो उसके अंदर दुनिया का डर खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह से नहीं डरेगा तो वो किसे डरेगा वो दुनिया की हर चीज से डरेगा जो अल्लाह से नहीं डरता वो किससे डरता है हर चीज़ से डरता है जो अल्लाह को सजदा नहीं करता वो किसको सजदा करता है वह हर चीज़ को सजदा करता है आपने सुना होगा हिंदुओं के हाँ जितने कंकर उतने शंकर जितने यानी उतने पत्थर नहीं है जितने उनके माबूद हैं वो हर चीज से डरते हैं जिसे डरते हैं उसे माबूद बना लेते हैं जब एक इंसान एक अल्लाह को सजदा करता है कि अल्लाह के अलावा कहता है मैंने किसी को सजदा नहीं करना तो एक अल्लाह को सजदा करने से हजार सजदों से इंसान को निजात मिलती है हजार दर पे सर झुकाने से उसको निजात मिलती है जब एक अल्लाह के सामने सर झुकाता है तो वो तो गैर के सामने सर नहीं झुकाता है।, है तो अल्लाह से डरता है और अल्लाह से बहुत ज्यादा डरता है जो जितना ज्यादा मोमिन होगा उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा ये अल्लाह का डर ऐसा नहीं है जो हमें अल्लाह से दूर कर दे जैसे किसी दुश्मन का डर या किसी दरिंदे का या किसी खौफनाक की चीज का डर हमें उससे दूर करता है हमें उससे भागने पर मजबूर करता है ये ऐसा डर है जो हमें अल्लाह के करीब कर देता है तो जितना अल्लाह से डरता है वो उतना अल्लाह के करीब हो जाता है अल्लाह किताबी हम मसा नहीं है तक जुलूदी और अल्लाह का डर ये कुरान पढ़ने से सबसे ज्यादा पैदा होता है तौहीद से भी पैदा होता है कुरान पढ़ने से भी होता है फरमाते हैं कि अल्लाह वो हैं जिन्होंने बेहतरीन बात नाजिल की यानी कुरान किताब अब मुतशाबी है जो एक मतशाबी किताब है मसानिया जिसको बार बार पढ़ा जाता है तक जोदीना जब अल्लाह से डरने वाले ईमान वाले जब इस किताब को पढ़ते हैं तो क्या होता है इनके चमड़े काप उठते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं लेकिन इतना डर जब कुरान पढ़ने से पैदा होता है तो कुरान पढ़ने से जब इतना डर पैदा होता है तो अल्लाह से दूरी नहीं होती <laughs> फिर उनके चमड़े भी और उनके दिल भी अल्लाह के अल्लाह के जिक्र के करीब हो जाते हैं <laughs> ये है अल्लाह की हिदायत और अल्लाह जिसे चाहते हैं ये हिदायत देते <laughs> उन्हीं युज़ ले अल्लाहु फमा लहू मिन हाद जिसे अल्लाह उम्रा कर में उसे कोई नहीं दे सकते असल हिदायत क्या है ईमान अल्लाह का डर कुरान पढ़ने से रोंगटे खड़े हो जाएं किसी के कुरान पढ़ने से कुरान पढ़ने से कुरान पढ़ने से पहले की कैफियत में और कुरान पढ़ने की बात की कैफियत में फर्क हो जाए <laughs> मोमिन कौन है अल्लाह फरमाते हैं अनफाल में मोमिन सिर्फ वही है इन्नमा हसर का सीगा है मोमिन सिर्फ वही है जब अल्लाह का जिक्र हो जाए उनके दिल डर जाए अलैहिम दातुलियत आयातुतु ईमाना जब उन पर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाए तो उनका ईमान भट जाए ये मोमिन होते हैं मोमिन कौन है मोमिन मोमिन वो वो है वो है जब उन पर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं तो वो खड़े नहीं रह सकते वो सजदे में गिर पड़ते हैं सुबह अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं कहते हैं अल्लाह के वादे पूरे होंगे वूनकून खुशुआ सईदे में गिर पड़ते हैं कुरान सुनकर और रोते हैं और ये चीज उनकी खशियत को बढ़ा देती है तो अल्लाह का डर पैदा होता है तोहिद से कुरान पढ़ने से रोजे से रोजे से अल्लाह का डर पैदा होता है यादीबाल रोजे के मकसद भी अल्लाह का तकवा है तो का मकसद भी अल्लाह का तकवा है नमाज का मकसद क्या है नमाज पढ़ने से क्या होता है अल्लाह का डर पैदा होता है अगर सही नमाज पढ़े हम ऐसा डर पैदा होता है नमाज पढ़ने से जो हमें गुनाहों से 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 बेहयाई दूर रखता है नमाज पढ़ने अल्लाह की याद पैदा होती है अल्लाह का डर पैदा होता है हजरत मूसा को अल्लाह ने हुक्म दिया था वाक़ी सलाह है मूसा मेरी याद के लिए नमाज कायम करो कुर्बानी जिहाद हज, ये सारे अमाल तकवा के लिए हैं। जब इंसान कुर्बानी करता है कुर्बानी ये नहीं है कि जानवर की गले पर छुरी फेरी जाए कुर्बानी ये है कि इंसान अल्लाह के, के लिए अल्लाह के दिन के लिए तन धन की कुर्बानी देने पर तैयार तो हो जाए हर चीज़ कुर्बान करने पर लेकिन दिमा अल्लाह को जानवर का ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है अल्लाह को तो तुम्हारा तखबा पहुंचता है तो ये तखवा है असल जो चीज़ हमने पैदा करने की कोशिश करनी है अपने अंदर करनीहीद से पैदा होती है ये नमाज से पैदा होती है ये ज़क़ात से रोजे से अल्लाह के अकाम पर अमल करने से ये चीज़ पैदा होती है आपको पता है सबसे ज्यादा अल्लाह से कौन डरता है कौन डरता था नबी करीम सलम आपने फरमाया तुम <tum> सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाला और तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन है आपने फरमाया मैं हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह से जितना डरता है तो अल्लाह उससे उतना राजी होते हैं और जन्नत में जाने का बुनियादी जरिया अल्लाह का डर है तिलकल इबादीना मन दिलकल जन्नतना इस जन्नत का वारिस अपने बंदों में से हम उससे बनाते हैं जो अल्लाह से डरने वाला हो मकाम और जन्नतान जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर है उसके लिए दो जनतें हैं एक नहीं दो दो हैं तो ये अल्लाह का डर कैसे पैदा होगा हमारे अंदर ये हकीकी तोहीद पर अमल करने से और तोहीद को अपनाने से होगा वरना क्या होता है जो बंदा एक अल्लाह से नहीं डरता वो फिर अल्लाह के अलावा बहुत सारी चीज़ों से डरता है वो उतना बुजदिल हो जाता है बड़ा बहादुर कोई नहीं होता और मुश्किल से बड़ा बुजदिल कोई नहीं होता ये बात भी याद रखिये अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फी हम रोब डाल देते हैं उन लोगों के दिलों में जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं तो शिरक करने वाला वो उससे बड़ा बुजदिल कोई नहीं होता और माहिद से तोहिद पर अमल करने वाले से ज्यादा बहादुर कोई नहीं होता वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता और तोहीद से उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है एक مشrik, वो अल्लाह के अलावा औरों से जैसे मैंने जिक्र किया औरों से डरता है औरों से मोहब्बत करता है एक माहिद वो सिर्फ अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है फिर अल्लाह के बाद जिनसे अल्लाह ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया और वो सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता तो ये है लाल तो ये तकवा पैदा होगा सही तोहेद पर अमल पैरा होंगे तो सही अल्लाह का डर पैदा होगा सलफ़ सालीम के बारे में मिलता है कि वो जब नमाज पढ़ने लगते थे वजू करने लगते थे तो एक दफा उनके जिसम पे कप कपी तारीख हो जाती थी कि हम अल्लाह के हजूर खड़े होने लगे क्या हमारी ये कैफियत होती है नहीं क्या कुरान पढ़ने से हमारी कैफियत होती है नहीं क्या कोई अमल करते हुए हम परवाह नहीं करते तो क्या हमारी कैफियत होती है नहीं तो ये सही कैफियत कर... तब पैदा होगी जब हमें हकीकी ईमान और हकीकी तोहिद होगी जी मिस आमिना जो आपने दो जन्नतों का इसमें जिक्र किया है तो कौन सी दो जन्नतें होंगी अल्लाह ताला ने जन्नतें रखी हैं कई जन्नतें रखी हैं दो जन बाज जगह पर जन्नत है तो सूरह रहमान में दो जन्नतों का जिक्र है बल्कि दो से इलावा मजीद दो जन्नतों का जिक्र भी है दो जन्नतें हैं जो आला किस्म की हैं दो जन्नतें हैं जो उससे कुछ अदना दर्जे की हैं तो जो आला किस्म की दो जन्नतें हैं वो अल्लाह से डरने वाले के लिए जन्नतान ये आला किस्म की दो जन्नतें हैं तो ये अल्लाह से डरने वाले के लिए और दोनों हिमा जन्नतान और इन दो के अलावा भी दो जन्नतें और भी हैं वो किसके लिए हैं वो आगे सरा रहमान उनकी सिफायत भी है बहरहाल यानी मैं अल्लाह के डर के बारे में बात कर रहा था आपने का मुह करें तो जन्नत में जाने का एक बड़ा ज़रिया अल्लाह ने अल्लाह के डर को करार दिया तो जितना डरता है तो उतना अल्लाह को ज्यादा महबूब होता है चलें, तो तोहीद से के डर पैदा होता है तखबा पैदा होता है अगर इंसान सही तरीके से तोहिद पर अमल पैरा हो और इन तुम फिर और अगर तुम हो शक में उससे जो हमने नाजिल किया अला अपने बंदे पर तू भी सूरत में मिसली ही तो ले आओ कोई एक सूरत में मिसली ही उस जैसी वो शुहदा अकुम और बुला लो शुहदा अकुम अपने गवाहों को यहाँ गवाहों से मुराद अपने मबूदों को इन दून लाही अल्लाह के अलावा इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो <coughs> फिल्म तफालू पस अगर न तुमने किया लू और हरगिज़ नहीं तुम कर सकोगे जाओ उस आग से। अल्लती वो आग। जिसका ईंधन लोग हैं और पत्थर हैं, वो तैयार की गई है काफिरों के लिए इन दो यात करीमा में अल्लाह बहुत बड़ा मसला जो कुरान करीम को अल्लाह का कलाम नहीं मानते थे मुशरकिन वो कहते थे कि ये मोहम्मद हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने इसको खुद घड़ लिया है वो <क्ष्थाल्ण>। कहते थे ये उनका कलाम है ये अल्लाह का कलाम नहीं है उन्होंने खुद ये कलाम घड़ कर अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर शक करते थे कहते थे कि ये झूठा दावा करते हैं कि ये अल्लाह के नबी हैं इन पर वही आती है और वो कहते थे कि ये झूठा दावा करते हैं नवजुबिल्ला के इन पर अल्लाह की तरफ से कुरान नाजिल होता है वो कहते थे कि ये कोई अल्लाह के नबी नहीं है दुनिया मफादात के लिए ये इन्होंने नबूवत का दावा किया है और ये जिसको कुरान कह रहे हैं अल्लाह का कलाम कह रहे हैं तो ये अल्लाह का कलाम अल्लाह की वही नहीं है बल्कि ये इन्होंने अपने पास से घड़ लिया है अल्लाह ने इसका जवाब दिया है इन आयात में और ये इतना जबरदस्त जवाब है कि इस अकली जवाब का कोई जवाब नहीं है तो अल्लाह ताली यहाँ कैसे कुरान की हकानियत को साबित करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को और आपकी हकानियत को अल्लाह कैसे साबित करते हैं अल्लाह फरमाते हैं वन कुन तुम फी बिन और अगर हो तुम शक में मिम्मा उससे जो नजल ना हमने नाजिल किया अला अबीना अपने बंदे पर हमने जो अपने बंदे पर नाजिल किया अगर तुम उसके बारे में शक में हो अल्लाह ने क्या नाजिल किया उससे क्या मुराद है और आबदीना से मुराद क्या है अल्लाह जी मिम्मा नजल्ला से मुराद कुरान है और अब से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अल्लाह फरमाते हैं अगर हो तुम शक में उस बारे में हालांकि जब हमने जब सूरत शुरू की है तो अलिफ्लामीम ज़ालिकल किताब उलारी बफी मुदलिल मुत्तकीन अल्लाह ने फरमाया था कि ये किताब इसके अल्लाह की तरफ से होने में कोई शक नहीं है तो अल्लाह ताला उस पर जो कुफ्फार का इतराज है कि ये इन्होंने अपने पास से घर लिया है अल्लाह उसका जवाब दे रहे हैं अकली जवाब ये बात याद रखिए पुरानी पुराने में ये जो सारे मशीन के इतराज हैं मुशीन मक्का के गलत अक़ाइद थे अल्लाह उनको जिक्र करते हैं और अल्लाह तला उनका जवाब देते हैं और ये सारे जवाब अकली होते हैं लॉजिकल होते हैं कुछ लोग समझते हैं कुरान करीम में अकली बातें नहीं हैं अकली जवाब नहीं है, नहीं है। आ, बस मुसलमान सुनते हैं और आंखें बंद करके इनको मान लेते हैं ऐसी बात नहीं है कुरान करीम ने कुफार के जो इतराजात नकल किए हैं कुरान करीम अक्सर बातें अकली हैं कुरान बार बार हमें अपनी अकल इस्तेमाल करने का हुक्म देता है लाल लकुम तत्तफर लाल तो कुरान कहता है अपने अकल को इस्तेमाल करो गो फिकर करो आ, तो अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम्हें शक है उस बारे में जो हमने नाजिल किया यानी कुरान अला अपने बंदे पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर तुम्हें शक है कि उन्होंने अपने पास से बना लिया है अगर कोई इंसान कुरान अपनी तरफ से बना सकता है आपका यह दावा है ना अगर आपका यह दावा सही है तू भी सूरत मिसली ही तो तुम ले आओ फिर कोई एक सूरत में मिसली ही इस जैसी इस कुरान जैसी फिर एक सूरत बना के ले आओ वो शुहदा अकुम और बुलालो अपने गवाहों को शुहदा शहीद की जमा है शहीद गवाह को कहते हैं तो यहाँ गवाहों से मुराद मददगार मबूद यानी वो मददगार अल्लाह फरमाते हैं अपने तुम अपने जैसे इंसानों को नहीं तुम जिन्हें अपने मबूूद करार देते हो अल्लाह अल्लाह के अलावा को भी मबूूद करार देते थे और अल्लाह के अलावा वो उज्जा और और फरिश्ते हजरत हजरत इब्राहिम वगैरह इनको भी मबूद करार देते थे और इनको आम लोगों से आम लोगों की तरह नहीं समझते थे वो कहते थे कि ये बड़े ताकतवर हैं और ये 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 बहुत कुछ कर सकते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम <coughs> इस कुरान जैसी कोई एक सूरत बना के ले आओ तुम अकेले नहीं तुम तुम अकेले नहीं, तुम सिर्फ इंसान नहीं सारी दुनिया के इंसान इकट्ठे ना करो बल्कि तुम अपने जाम में जिनको तुम मबूद समझते हो उनको यहाँ शुहदा अकुम कहा है और बुला लो अपने गवाहों को मिन मिंदून अल्लाह के अलावा को छोड़कर क्योंकि वो, वो अल्लाह को भी मबूद मानते थे और अल्लाह के अलावा औरों को भी मबूद मानते थे अल्लाह फरमाते हैं कि फसल अल्लाह को निकाल दो क्योंकि अगर अल्लाह से कहोगे कि अल्लाह बनाए तो ये तो अल्लाह ने बनाया है ये तो अल्लाह का कलाम है ना तो अगर अल्लाह को कहेंगे तो फिर तो चैलेंज खत्म हो जाएगा अल्लाह का तो दावा ये है कि ये अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह के अलावा अगर तुम समझते हो नहीं अल्लाह का कलाम नहीं है ये इंसानी कलाम है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से घड़ लिया है और अगर इसको मखलूक घड़ सकती है तो अगर मोहम्मद घट सकते हैं तो तुम भी घट सकते हो फिर तो तुम कहते हो कि पूरा कुरान छ हजार से ऊपर आयात है तुम कहते हो कि ये अकेले मोहम्मद ने घर लिया है अगर बिलफरज इस बात को वक्ती तौर पर सिर्फ आ, एक दलील के तौर पर बात करने के लिए अगर इसको बफर्ज मान लिया जाए एक लम्हे के लिए कि कोई इंसान इसको घट सकता है तो जिस तरह अगर मोहम्मद घट सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दावे के मुताबिक तो फिर तुम भी तो इंसान हो तुम भी तो अरबी जबान बोलते हो तो तुम इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ मोहम्मद अकेले हैं तुम कहते हो कि पूरा कुरान उन्होंने घर लिया अकेले एक शख्स ने तुम्हें एक शख्स को चैलेंज नहीं है तुम तमाम इंसानों को चैलेंज है तमाम इंसानों को ही चैलेंज नहीं है तमाम जिनों को भी चैलेंज है तमाम जिनों को ही चैलेंज नहीं है सिर्फ बल्कि तुम अपने मबूदों को अल्लाह के अलावा इकट्ठा भी कर लो और तुम कुरान बना लाओ इस कुरान कुरान जैसा पूरा कुरान नहीं इस कुरान जैसी एक सूरत बना लाओ और ये भी नहीं कहा कि एक एक बंदा एक एक सूरत बना के लाए अल्लाह फरमाते हैं मिल जुल कर एक सूरत बना लो यानी अपने काम तकसीम करके किसी को कोई एक लफ्ज दे दो किसी को दूसरा लफ्ज दे दो किसी को तीसरा लफ्ज दे दो तुम लाखों करोड़ों लोग मिलकर और अपने मबूदों को भी इकट्ठा कर लो जिन्हों को भी इकट्ठा कर लो तो तुम्हारा दावा यह है कि अकेले मोहम्मद असलम ने घड़ा है अगर बिलफरज बफरज महाल अगर मोहम्मद असलम घड़ सकते हैं तो फिर तुम भी घड़ सकते हो तो अगर तुमने घड़ लिया तो तुम अपने दावे में सच्चे हो सकते हो इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो अगर तुम्हारा दावा कौन सा दावा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से घड़ा है अगर तुम्हारा ये दावा सच्चा है तो फिर कोई और इंसान भी इसको घड़ सकता है अल्लाह ने एक इंसान को चैलेंज नहीं किया अल्लाह ने तमाम इंसानियत को चैलेंज किया है तमाम जिन्नों को चैलेंज किया है अल्लाह वलौकानबागोहम लिबाउन जहीरा सनी इसराइलमल्ला फरमाते हैं कह दीजिए अगर तमाम इंसान इकट्ठे हो जाए अगर तमाम जिन इकट्ठे हो जाए अला या तो मसली हादिर कुर वो इस कुरान जैसा कुरान लाएँ ला तू नबी मिसली ही इस कुरान जैसा कुरान नहीं ला सकते वलोकान बाग जो बंदा कहे कि कुरान मैन मेड है अल्लाह का कलाम नहीं है उसको ये दलील पेश करें इस दलील का दुनिया में किसी इंसान के पास कोई जवाब नहीं है <स्थाथ> इससे बड़ी अकली दलील क्या होगी देखिए वो यही कहता है ना कहता है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है ये मोहम्मद ने अपने पास से घड़ा चले एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो अकेले छे हजार से ऊपर आयात घड़ सकते हैं कुरान को जो लेवल है उस लेवल जैसी ये तो छह हजार से ऊपर आए आते कुरान की तो तुम तीन आयतें बना के ले आओ एक सूरत में कम से कम तीन आयतें तुम तीन आयतें बना के ले आओ कोई एक शख्स तुम में से अगर एक शख्स नहीं बना सकता कई लोग मिलकर पहले अल्लाह ताला ने पूरे कुरान का चैलेंज किया तमाम इंसानों को तमाम जिनों को फिर अल्लाह ताला ने दस सूरतों का चैलेंज किया फिर अल्लाह ताला ने एक सूरत का चैलेंज किया और अल्लाह फरमाते हैं तमाम इंसान इकट्ठे हो जाएं तमाम जिन इकट्ठे हो जाएं और अल्लाह फरमाते हैं तुमने जिसको इकट्ठा करना है अल्लाह के अलावा अपने गवाहों को अपने मबूदों को भी उनसे भी मदद ले लो और सब मिलकर ये भी नहीं कहा कि आप सब में से कोई एक फरमाए सब मिलकर एक सूरत बना लो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा और ये नहीं कि इस चैलेंज को पूरा करने की किसी ने कोशिश नहीं की कोशिश करने वालों ने कोशिश की है लेकिन उस कोशिश करने वालों ने जो कोशिश की मुसलमान तो मुसलमान नहीं इंकार कर दिया। उनके मानने वालों ने ही इनकार कर दिया कि ये कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती ये चीज ने भी ये कुरान बनवाया है फुरकान के नाम से ये लुबनान और फलस्तीन वगैरह के इलाके के ईसाइयों को अरब लोगों को जो अरब ईसाई थे उनसे और इससे पहले हजारों कोशिशें हुई हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोगों में लोगों ने कोशिशें की एक तो है कि मुसलमान दलाल के जरिए उसे साबित करें कि ये कुरान के पासिंग नहीं है ये कुरान करीम का मुकाबला नहीं कर सकता मुसलमानों को तो छोड़िए कुार ने ही उसे मानने से इनकार कर दिया कि ये कुरान का मुकाबला कर सकता है फार बज़ाते खुद उसे नहीं मानते वो कहते हैं कि कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता कुरान की जाब आपने नाम सुना होगा इस शख्स ने नबोत का दावा किया था और देखिए जो बंदा भी इस किस्म का दावा करता उसके अंदर कोई ऐसी सलाहियत होती है जिससे वो लोगों को मुतासर करने की कोशिश करता है तो ये सिया रंग का शख्स था ठिकने कद का शख्स था कोई इसकी कोई वजाहत नहीं थी लेकिन इसके पास एक ऐसी सलाहियत थी फसाह फसाहत बलागत तलाक़त लिसानी उस दौर में अरब लोग बहुत इज्जत करते थे उस शख्स की जो फसीह बली कलाम करता हो तो इसकी तलाक़त लिसानी और फसाहत व बलागत की वजह से देखिए कितने लोगों ने इसकी बात पर यकीन कर लिया और कितने लोग इसके पैरोकार बन गए आपको पता है कि सदर सिद्दीक के दौर में इससे जंग हुई इसका कला कमा किया गया और जितने सहाबा जंगे यम में शहीद हुए हैं उतने सहाबा पूरे नबी करीम वसल्लम के दौर में जितनी जंगे हुई हैं उसमें मिलाकर शहीद नहीं हुए कितने ज्यादा लोग इसके पैरोकार थे इसने लोगों को बहुत गिलाया हुआ था कि मुसैम का जब जो है बड़ा फसीहुल लिसान था तो ये इसने बड़ा दावा किया कई मरतबा कि देखो मुझ पर भी अल्लाह ने कुरान उतारा है मुझ पर भी जबरील उतरता है और अः और उसने कुछ घड़ कर कोई चीजें कुरान के नाम पर पेश करने की कोशिश की वमादरा का मलफील इस किस्म की लहू अनफन तवील और इस तरह करके जिस तरह यानी कुरान से ही कुछ चीज़ें मुस्तार लेकर कुरान का ही अंदाज लेकर उसने कुछ बनाने की कोशिश की तो कहते हैं कि एक दफा हजरत अमर बिन आस थे शायद के कौन थे अभी मुसलमान नहीं हुए थे तो वो जाते आते जाते रहते थे मुसैमा कजाब के पास क्योंकि अभी जब मुसलमान नहीं हुए थे बाद में तो ये सहाबी बने और बड़े जलील साहबी बने तो ये मुसैमा कजाब के पास उठते बैठते थे तो एक दफ़ा मुसैलमा कजाब ने इनसे कहा कि ए अमर तुम्हें पता है कि मुझ पर भी जबरील उतरता है और मुझ पर भी वही उतरती है तो मोहम्मद दावा करते हैं कि उन पर वही उतरती है तो तो वो तो वाके ही ऐसा कलाम है कुरान के बाकायदा कुरैश कर सुना करते थे उसको ऊपर ऊपर से इनकार करते थे अंदर से उन्हें पता था कि ये इंसानी कलाम नहीं है तो मुसलमान ने कहा कि अमर आपको पता है कि मुझ पर भी वही उतरी है तो अमर ने कहा सुनाओ तो उसने फिर सुनाया यही इस, इस तरह करके घड़ी हुई कोई चीज है तो हजरत अमर बिन आज उससे कहने लगे कि मुसैलमा अंदर की बात यह है कि वैसे तो मैं और तुम एक जैसे ही हैं हम मोहम्मद के मुखालिफ हैं सल्म के लेकिन वो कहते हैं कि मुसैम का तुम मुझे ये वही के तौर पर सुना रहे हो अल्लाह की कसम तुझे भी इस बात का पता है कि मैं तुझे झूठा समझता हूँ अंदर की बात यह है कि ये है, तेरा कलाम का मुकाबला नहीं कर सकता ये इंसानी कलाम है ये रद्दी कलाम है और तुम इसको मुखालिफ हैं इंसाफ की बात यह है, कि तुझे इस बात का पता है मुझे अपना कलाम सुना रहा है तुझे इस बात का पता है कि मैं तुझे झूठा समझता हूँ तो तू मुझे क्यों धोखा देने की कोशिश करता है तो ये कैफियत है गुफा की <clears throat> ये नहीं कि किसी ने कोशिश नहीं की कोशिश करने वालों ने कोशिश की लेकिन सबने मुंह की खाई <coughs> कोई कुरान जैसा कुरान नहीं बना सकता कोई दस सूरतें नहीं बना सकता कोई एक सूरत नहीं बना सकता कुरान की सबसे छोटी सूरत है जिसकी तीन आयते हैं एक लाइन सवा लाइन की डेढ़ लाइन की वो सूरत है इन्ना आतीना कल कौसर, वन्हर, इन्ना का इस जैसी एक सूरत नहीं बना सकता तो एक शख्स क्या पूरी दुनिया मिल जाए इस जैसी एक सूरत नहीं बना सकते जब नहीं बना सकती तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि फिर तुम्हारा ये दावा ख़त्म हो जाता है कि मोहम्मद ने कुरान को घड़ा है अगर पूरी दुनिया मिलकर तीन आयतें उनके बराबर एक सूरत नहीं बना सकती तुम्हारे माबूद मिलकर तो फिर इसका मतलब है कि मोहम्मद वसल्लम ने भी कुरान को नहीं घड़ा वो भी नहीं घड़ सकते छेदार से ऊपर आया अगर तुम नहीं बना सकते अगर तुम नहीं बना सकते तो मोहम्मद भी नहीं बना सकते जब मोहम्मद नहीं बना सकते तो फिर ये कुरान अल्लाह का कलाम है बस अगर तुमने ना किया अभी तक तुम ये नहीं कर सके वलन तफालू और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे लम माजी के लिए होता है और लन ये मुस्तकबिल के लिए होता है तुमने अगर अभी तक नहीं किया फालू और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे तुम आइंदा भी नहीं कर सकोगे क्या तक नहीं कर सकोगे क्यों नहीं कर सकोगे क्योंकि ये इंसानी कलाम है ही नहीं मोहम्मद ने भी इसको घड़ा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम भी नहीं घड़ सकते तो क्या साबित हुआ इससे इससे एक ही बात साबित हुई है जबरदस्त तरीन दलील है इससे बड़ी दलील क्या होगी कुरान की हकानीयत की दीगर बहुत सारे दलाइल के साथ साथ तो फिर तुम्हें आग से डर जाना चाहिए उस आग से वो आग ईंधन लोग और पत्थर है तुम्हारे जैसे लोग फिर उस आग का ईंधन बनेंगे उस आग को मजीद भड़काने के बायस बनेंगे उस आग में लोग भी जाएंगे इनकार करने वाले कुार मुशी मुनाफिके वाल हजारा और पत्थर, पत्थर। पत्थरों का क्या कसूर है पत्थर क्यों आग का ईंधन बनेंगे ये पत्थर वह है जिन पत्थरों से वो अपने बुत बनाते थे तो अल्लाह ताला उनके बुतों को भी वो आग में डाल देंगे ये बताने के लिए उनको कि तुम्हारे बुत ये कुछ नहीं कर सकते ये अल्लाह के शरीक नहीं है ये हाजत रवा मुश्किल कुछ नहीं है वो पत्थरों के वो जो वो जो मट्टी के बुत थे उनकी बात हो रही है वो जो जिन नबियों के जिन वलियों के वो थे वो तो जन्नत में होंगे तो आग उस आग से डर जाओ जिस आग का ईंधन लोग और पत्थर हैं वोफरीन वो तैयार की गई है कुफ़ार के लिए आग तैयार है ये हमारा अकीदा है बहसीत कुरान करीम हमें बताता है कि अभी अल्लाह ने उस आग को क्यामत के दिन तैयार नहीं करना अल्लाह ने उस आग को तैयार कर दिया है ये फेल माजी का सीगा है वो तैयार की गई है कुफार के लिए वो आग अल्लाह ने बना दी है और उसमें जिन लोगों का हमारा ठिकाना है अल्लाह ने वो ठिकाना भी लिख दिया है लोहे महफूज में अल्लाह के मौजूद है कौन वो लोग हैं? अल्लाह ने बताया नहीं अल्लाह को पता है अपने साबिक के जरिए कौन जन्नती हैं कौन जहनवी हैं तो अल्लाह ने वो आग बना दी है जहनम बना दी है जन्नत बना दी है तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुमने ये काम नहीं किया अभी तक और तुम कर भी नहीं सकोगे तो फिर आग से डर जाओ जब तुमने ये काम अभी तक नहीं किया और तुम आइंदा भी नहीं कर सकोगे तो फिर इसका मतलब है कुरान अल्लाह का कलाम है अगर फिर भी कुरान को अल्लाह का कला ना माना कुरान पर ईमान न लाए कुरान में अल्लाह के अहाम पर अमल न किया तो फिर तुम लातों के भूत हो फिर तुम्हारे लिए आग है कुछ लोग बातों से मान लेते हैं जो लोग बातों से नहीं मानते बगावत करते हैं सरकशी के रवैये अख्तियार करते हैं तो गानी के रवैये अख्तियार करते हैं फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने आग तैयार कर रखी है जहनम की सजा जो बड़ी सख्त किस्म की सज़ा है अल्लाह ने वो तैयार कर रखी है क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि ये मानने पर तैयार नहीं है क्योंकि अब मानने के लिए कोई चीज़ और रह नहीं गई इससे बड़ी दलील क्या होगी इससे बड़ी कोई दलील नहीं है तो अगर कोई इसके बावजूद भी कुरान को अल्लाह का कलाम ना माने इसके बावजूद भी कुरान पर ईमान न लाए इसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए इस्लाम कबूल ना करे इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी न गुजारे तो फिर वो दुनिया में भी अल्लाह के अजाब को मुस्तक है और आखिरत में हमेशा हमेश के लिए अल्लाह के अजाब का मुस्तक है वही एक तो अल्लाह ताला ने यहाँ कुरान की हकानियत की दलील पेश की और ये कुरान की हकानियत की बहुत बड़ी दलील है दीगर दलाइल के अलावा कुरान में के आते हैं सच्चे वाक्य आते हैं कुरान में मुस्तबिल के वाक्य आते हैं जो कुरान की हकानियत की दलील है अल्लाह ने कुरान में पेश गोया की हैं वो मिन वन पूरी हुई कुरान में अल्लाह ने पेश गोई की थी कुरान के नजूल के शुरू में सुरा लहब नाजिल करके सुरा लहब शुरू में नाजिल होने वाली सूरतों में से एक सूरत है अल्लाह ने कुरान के शुरू में सुरा लहब नाजिल करके फरमाया था कि अबू लहब जहनमी है और अबू लहब की बीवी भी ये दोनों जहनम में जाएंगे गोया कि ये एक मुस्तबिल की खबर थी कि अबू लहब मरते दम तक ईमान नहीं लाएगा अबू लहब की बीवी उमे जमील मरते दम तक ईमान नहीं लाएगी दोनों बदबकत आपकी मुखालफत पर मुसर रहेंगे जो कुरान ने कहा एज इट इज पूरा हुआ अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता इंसानी कलाम होता तो ये इतने वसूख से ये बात कैसे कही जा सकती थी और ये बात कैसे पूरी हुई अबू लहब कुरान को जुटलाने के लिए जितना वो शरीद कुरान का मुखालिफ था इस्लाम का मुखालिफ था नबी करीब्लम के साथ उसने जिद बांधी हुई थी वो धोखा देने के लिए कह सकता था कि मैं ईमान लाया लेकिन आप देखिए अब जहल ने मरते दम तक इस्लाम का इकरार नहीं किया उसकी बीवी उसका उसने इस्लाम का इकरार नहीं किया कुरान की पेश मिनवान पूरी हुई अल्लाह ने फरमाया यहूद के बारे में कि कि यहूद कहते हैं कि हम जन्नती हैं जन्नत हमारे नाम में लौट हो चुकी है हम जहन्नम में नहीं जाएंगे अगर हमें जाना भी पड़ा तो चंद दिन हम जन्न जहनम में जाएंगे वरना हम जन्नती हैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया अगर तुम वाकई ही जन्नती हो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो तुम मौत की तमन्ना करो और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हरगिज मौत की तमन्ना नहीं करेंगे नहीं हुआ उसके बाद दस साल कुरान नाजिल होता रहा यहूद अपनी रविश पर कायम रहे एक यहूद ने भी मौत की तमन्ना नहीं की और आपको पता क्यूँ तमन्ना नहीं की वो कुरान को जुठलाने के लिए पता इतना समय क्यों उन्होंने मौत की तमन्ना नहीं की कौन बताएगा आप में से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर उनकी आमाल की वजह से अपने आमाल की वजह से उन्होंने आयत के करने के लिए कुरान को झूठा साबित कुरान को झूठा साबित करने के लिए यहूद की साजिशें मारूफ हैं वो तो कुरान को झूठा साबित करने के लिए वो मुनाफकत करके मौत की तमन्ना कर सकते थे किसी एक ने भी नहीं की इसलिए हजरत अब्बास फरमाते हैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो तमन्ना कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे देखिए अल्लाह को पता था और जो कुरान कहता तो कुरान की हकानीयत के सैकड़ों हजारों दलाइल में से बड़ी दलील ये है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम समझते हो कि मोहम्मद ने इसको अपने पास से घड़ा है तो तुम भी फिर इसको घड़ के दिखाओ अगर पूरी दुनिया मिलकर नहीं घड़ सकती पूरा कुरान छोड़े कुरान जैसी एक सूरत बल्कि कुरान में तो एक बात का भी चैलेंज है फलिया तू बेहद ही इनकान सादिंग इस जैसी कोई एक बात ही ले अगर तुम सच्चे हो और जो नहीं लाता तो फिर गोया के फिर वो इस्लाम का इनकार करके कुरान का इनकार करके अपने लिए फिर वो जहन्नम की आग सही मुस्तहिक है फिर उसके लिए फिर इसके अलावा कुछ और नहीं है और ये अल्लाह का एन इंसाफ है उसके लिए कि अल्लाह उसे फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दे सुभान रब्बिका रब्बिल इज्ति मा यासिफून व सलामुन अलल मुर्सलीन व